हेलो चित्रकारों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम लोग देखने वाले हैं अप्सरा पेंसिल का रिव्यू। हम इसके स्वाचेस करके देखने वाले हैं, इसकी कलर पिगमेंटेशन देखने वाले हैं। ये देखिए अप्सरा की 26 प्रीमियम कलर पेंसिल्स हैं। ये ऑक्सफोर्ड की मैंने आज स्केच बुक रिसीव करी है। इसका साइज देख लीजिए, यहाँ पे इसका साइज ही मेंशन है, एज वेल एज ये स्केच बुक में 50 शीट्स हैं इस वाली स्केच बुक में, और इसका GSM 140 है। सो कीप वॉचिंग। सो गाइस, स्वेचेस के लिए मैंने ऑलरेडी ही यहाँ पे एक इंडेक्स बना रखा हुआ है, तो अब हम इन सारी ही कलर पेंसिल्स का यहाँ पे स्वेचेस करने वाले हैं और देखने वाले हैं इनका पिगमेंटेशन कैसा है। सो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। आपकी सिर्फ सिंगल एयरिंग स्वाचिंग है और सिंगल एयरिंग के हिसाब से इसका पिगमेंटेशन काफी अच्छा है। और ब्लेंडिंग की बात रही तो आप इसको ब्लेंड लेयरिंग से भी कर सकते हैं। लेयरिंग से नहीं करना चाहते हैं तो आप एक वाटर कलर ब्रश के टिप पे जरा सा पानी लेकर के आप इसको ब्लेंड भी कर सकते हैं। इस तरीके से वाटर कलर ब्रश पे आप जरा सा पानी लेकर के आप इसको ब्लेंड भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने सिंगल एयरिंग स्वाचिंग पे भी जरा जरा सा देखिए ब्लेंडिंग किया हुआ है। कैरे से समझ नहीं आ रहा होगा, मैं आपको यहाँ पे एक करके दिखाती हूँ। तो ये काफी आसानी से ब्लेंड हो गया है, एक हम लेयरिंग से भी करके देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं ब्लेंडेड पार्ट में और ये स्वाचेस में कितना बड़ा डिफरेंस है। आप चाहें तो अपने आर्ट वर्क को इस तरीके से ब्लेंडिंग करके आप काफी खूबसूरत बना सकते हैं। तो आपको मुझे कमेंट सेक्शन पे बताना है कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा है, और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं जिसकी आईडी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, और यूट्यूब पे भी आप मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ।